देश के हित में बोलना अगर भाजपा विरोधी है तो मैं हूं भाजपा विरोधी। पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा, ये भाई साहब यहां आपकी नियंत्रण करने की बात कर रही है और ये करा फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा। 30 लाख सरकारी नौकरी देगी, ये कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी करा ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, इसमें कोई प्लान नहीं। बताइए, जय हिंद साथियों, हम गुड्डू सर गया बिहार से। पिछले दिन एक वीडियो मैंने बनाया था आपका, इसमें मोदी जी का हेयर कटिंग और राहुल जी के हेयर कटिंग को लेकर, इसमें से मोदी भक्त लोगों ने ज़बरदस्त हमें गालियाँ दिए, हमें खूब सुनाए और कहा कि भाई आपका कांग्रेस का चमचा हो, आरजेडी का चमचा हो, अगर देश के हित में बोलना अगर भाजपा विरोधी है तो मैं हूँ भाजपा विरोधी। और अब हम आपके सामने पूरे के पूरे पोल खोलने वाले हैं कि क्यों मैं क्यों सपोर्ट करता हूं राहुल गांधी का। आइए समझते हैं, ये आपकी घोषणा पत्र 2024 का है। मोदी जी भी अपना घोषणा पत्र लाए जिनका नाम लिखा है संकल्प पत्र, और राहुल गांधी भी अपना घोषणा पत्र लाया जिनका नाम लिखा है न्याय पत्र। घोषणा पत्र हर पार्टी के लोग लाते हैं, ऐसे हमारे के एनडीए उम्मीदवार से मोदी जी के हेड यानी कि भाजपा वाले हैं और इंडिया गठबंधन से मेन कांग्रेस वाले हैं। सभी को पता है कि चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हुआ है और यह जाके इसका जो घोषणा होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, वो 4 जून को घोषित किया जाएगा। अब हम घोषणा पत्र में क्या है देखते हैं, गाली देने से पहले पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अब समझिएगा, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 4 स्तंभ पर आधारित है। ये 4 स्तंभ क्या है? महिलाएं, युवा, श्रमिक, किसान, और इनके साथ 14 गारंटियों का भी प्रावधान दिए हैं। भाजपा वाले ने 4 स्तंभ बताए हैं, 14 गारंटी का प्रावधान दिए हैं। कांग्रेस वाले अपने घोषणा पत्र में मुख्य 5 स्तंभ की बात की है, इनसे एक ज़्यादा है। और इन्होंने 5 स्तंभ क्या है, युवा यहाँ भी था, यहाँ भी कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं। नारी न्याय, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ नारी है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। किसान यहाँ भी है, यहाँ भी है। और इन्होंने एक और बात किनका किए हैं, श्रमिक और हिस्सेदारी का न्याय किए हैं। तो ये आपकी श्रमिक यहाँ भी था और यहाँ भी है, एक आर का हिस्सेदारी का बात किए हैं कि हिस्सा सबको मिलेगा। और इन्होंने 14 गारंटी दिया और इन्होंने 15 गारंटी का प्रावधान किया, सॉरी माफ करिएगा, 25 गारंटी का प्रावधान किया। ये 14 और ये कितना भाई मेरे, 25। अब समझ सकते हैं, बढ़िया से समझिए, आगे देखिए भाई। एक तरफ इधर मोदी जी वाले हैं यानी भाजपा वाले हैं, बीजेपी वाले घोषणा पत्र हैं, और इधर वाले आपका कांग्रेस वाले हैं भाई, इधर कांग्रेस वाले राहुल गांधी वाले हैं। अब ध्यान समझिएगा, मोदी जी ने घोषणा पत्र में क्या कहा, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू, पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं, स्टार्टअप फंडिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाना, उद्यमिता की भावना को बढ़ाना, क्रेडिट सीमा 20 लाख रुपये की जाएगी आपकी क्रेडिट सीमा के। अब ये तो ये बताएं, अब इन्हीं को देखिए राहुल गांधी वाले, कांग्रेस वाले क्या है। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने प्रशिक्षण के लिए अधिकार की गारंटी देगी, प्राइवेट के साथ साथ 1 वर्ष की प्रशिक्षितु प्रदान करने हेतु अधिनियम, पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा। ए भाई साहब यहाँ आपकी नियंत्रण करने की बात कर रही है और ये करा फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा। दूसरी बात समझिए, केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्तियां को भरना, केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्तियां को भरने की गारंटी ले रहे हैं और ये आपकी सिर्फ के सिर्फ स्टार्टअप फंडिंग, इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए 50% फंड उपलब्ध कराना, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि माफ कर दिया। कहने का मतलब यह है
कि अगर कोई लोन लिया हुआ है छात्र, अगर ऋण लिया हुआ है पढ़ने के लिए, तो कांग्रेस वाले उनको माफ कर देंगे। यहाँ कोई बात की चर्चा नहीं थी इसकी। आगे देखिए, बुजुर्गों के लिए क्या, इधर कांग्रेस वाले, इधर आपके भाजपा वाले हैं और इधर आपके कांग्रेस वाले, ये आपको अपने समझ जाना है कि उधर भाजपा इधर कांग्रेस, ऐसे इधर फोटो लगा हुआ है। 70 वर्ष, भाजपा क्या कहते हैं, 70 वर्ष से अधिक नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना को निःशुल्क कवर किया जाएगा। और ये क्या कहते हैं भैया, पहले उनको देख लेते हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर धार्मिक स्थलों का दर्शन करवाने के लिए काम करेंगे, ये बीजेपी वाले करेंगे। सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाया जाएगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इधर देखिए, 2016 में लाए गए राइट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट को सही से लागू किया जाएगा। बुजुर्ग नागरिक, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये डायरेक्ट पैसा की बात कर रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुजुर्ग नागरिकों को छूट दी जाएगी। इधर वाले भाजपा वाले हैं, इधर वाले कांग्रेस है। वीडियो पूरा देख के जाइएगा अगर आ गए हैं तो, तब जाके गाली दीजिए कॉमेंट बॉक्स में हमें। आगे आइए, किसानों के लिए क्या, मोदी जी कह रहे हैं कि भैया ये भाजपा वाले हैं, बीजेपी है और ये कांग्रेस है। मोदी जी कह रहे हैं कि फसल बीमा योजना, बीमा योजना को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि सहायता तेजी और अधिक पहुंचाई जा सके, समस्या का समाधान जल्दी निकाला जाएगा, एमएसपी को समय समय पर बढ़ाया जाएगा, किसानों को कृषि के लिए आधुनिक सेवाएं दी जाएगी। भाजपा वाले बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाएगा जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया था। एमएस स्वामीनाथन ने सुझाव दिया था, उनकी बात करिए। एग्रीकल्चर फाइनेंस पर अस्थाई आयोग का गठन किया जाएगा जो किसानों के लिए कार्य करेगा, फसल को नुकसान से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब आइए और देखिए, महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं हैं, ये मोदी जी वाले हैं, ये भाजपा वाले हैं, और ये घोषणाएं राहुल गांधी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। 1 करोड़ से बढ़कर अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लाखपति दीदी बनाया जाएगा। इन्होंने करा पहले 1 करोड़ को हम लाखपति दीदी बनाए थे, और अब कितना को बनाएंगे, तो 3 करोड़ को। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा, सर्वाइकल कैंसर पर केंद्रित अभियान चलाया जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण बिल को लागू किया जाएगा। कांग्रेस वाले कहते हैं गरीब महिलाओं की सहायता के लिए महालक्ष्मी योजना, ये लखपति दीदी लाए हैं, और यह महालक्ष्मी योजना को शुरू किया जाएगा जिसके तहत परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 1,00,000 रुपया आएंगे। यानी हर घर में अगर बुजुर्ग महिला है तो 1,00,000 रुपये, जितना भी हिंदुस्तान में घर होंगे। और ये सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लाखपति बनाने की बात कर रही है। अब समझ में आ रहा है ना कि हमने कांग्रेस की बात क्यों कही थी और आप लोगों ने हमें गलत सहरा दिया। आगे देखिए भाई, यहाँ एक अलग हो गया, 2025 से आने वाली सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए, सुन लीजिए दीदी मौसी, सुन लीजिए बहुआ सब, कि 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और आपके घर की बहन, आपकी घर की बेटी, हमारे घर की बहन, हमारे घर की बेटी भी नौकरी करेगी, कांग्रेस की सरकार आएगा तब। आगे की बात करते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। कामकाजी महिला का मतलब ये हुआ कि जो दूर जाके शहर में काम करती है, उनको रहने का बहुत दिक्कत होती है, वहाँ से घर आना मुश्किल से, जो कम पैसा में काम करती है उनके लिए बीजेपी वाले हॉस्टल देंगे जिसमें शिशु गृह जैसी मूलभूत सुविधाएं, मतलब कि उनके बच्चे भी वहाँ रह सकते हैं। कांग्रेस वाले का क्या घोषणा है, सुनो ध्यान से, कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल की संख्या दुगुना किया जाएगा, देंगे और दुगुना बढ़ा देंगे। और हर जिले में एक सावित्री बाई फुले हॉस्टल को शुरू किया जाएगा, महिला आरक्षण बिल के तत्काल रूप से लागू किया जाएगा, महिलाओं के लिए भारत सम्मान कार्य और सम्मान वेतन, जो हमें पॉलिटी में पढ़ना भी है अनुच्छेद 39 में, पढ़े होंगे तो पता चल ही गया होगा कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन की बात कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और सुनिए, श्रमिकों के लिए क्या घोषणा है भाई, तो सबको पता है कि इधर बीजेपी वाले रहते हैं, इधर हमारे कांग्रेस वाले रहते हैं। बीजेपी ने क्या कहा कि मत्स्य पालन के लिए बीमा राशि को बढ़ाया जाएगा,
श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर ध्यान दिया जाएगा। गिग वर्कर्स ई श्रम पंजीकरण किया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को सरकारी लाभकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। ऐसा घोषणा पत्र में किनका है? बीजेपी का है। कांग्रेस कह रहे हैं मत्स्य पालकों के गाड़ियों का बीमा कराया जाएगा। मत्स्य पालकों के लिए कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना किया जाएगा। कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। महिलाओं के लिए समान कार्य समान वेतन लागू किया जाएगा। मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी को 400 यहाँ पे 400 लिखा हुआ है 400 रुपया किया जाएगा, यानी जो मनरेगा का वेतन अभी कम है उसको 400 किया जाएगा। ऐसा घोषणा पत्र में कौन लिखे हैं? तो कांग्रेस ने लिखे। और सुनिए ध्यान से, श्रमिकों के लिए कुछ और बात है। भाजपा वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का विस्तार किया जाएगा। पीएम सूरज के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को ऋण दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को सशक्तिकरण किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों की जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा। कांग्रेस वाले इसमें इनका मैनिफेस्टो में इनके बाद में क्या है? गिग वर्कर्स को सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राशन कार्ड को अपडेट किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधा दी जाए। सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन की सुविधा होने वाली है। इंदिरा कैंटीन खोलेगी। आंगनवाड़ी वर्कर्सों को डबल किया जाएगा और 14 लाख अतिरिक्त नौकरियां दी जाएगी। सुन लीजिए भाई, आंगनवाड़ी वाले भी दम सुन लीजिए, जम के वोट दीजिए। खुलेआम बोल रहे हैं कि जम के वोट दीजिए कांग्रेस का, कोई दो मत नहीं है। देखिए यहाँ पे आंगनवाड़ी में वैकेंसी आ रही है। प्रतिदिन न्यूनतम वेतन 400 रुपये जो लोग हैं कमाते खाते उनको मिलेगा आपकी। ये श्रमिकों के लिए था। अब हम यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन निकालने के बाद आपको समझ में आया कि हमने कांग्रेस का सपोर्ट क्यों किया। अब कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ भाजपा। देखिए ध्यान से, कांग्रेस 30 लाख सरकारी नौकरी देगी। ये कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी करा है। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, इसमें कोई प्लान नहीं। बताइए, अब बेरोजगार हम लोग हैं, हम एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते हैं भैया। अगर वैकेंसी नहीं निकलेगा तो फिर कहाँ से हम पढ़ाएंगे? नहीं कोई पढ़ने आएगा। डिग्री डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपया सालाना, जो डिग्री किए हुए हैं डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 1 लाख सालाना सरकार देगी कांग्रेस वाले। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्लान नहीं है, कैलकुलेशन हम आपको समझा रहे हैं। अग्निपथ जो 4 साल की है, कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ स्कीम हम समाप्त करेंगे। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे क्या? ये अग्निपथ स्कीम जारी रखेगी भाजपा वाले। किसानों का कर्ज माफ करेंगे कांग्रेस वाले। भाजपा वाले का इसे कोई प्लान नहीं है। किसानों का MSP कानूनी गारंटी है, इसका कोई प्लान नहीं है। 25 लाख कांग्रेस